होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ठीक है। ये क्यूब्स कट गए हैं और कीमा मैंने बना लिया था। कीमा मैंने सिंपल जो है वो नमक और रेड चिली पाउडर डाल करके और कीमे को बॉईल कर लिया था और साथ में लहसुन और अदरक डाल करके मैंने 1 kg कीमे को बॉईल किया था, सही है। अब ये जब इसका पानी सूख गया है कीमे का, तो मैंने इसके अंदर जो है ना शिमला मिर्च और प्याज और ये मशरूम ले लिया है, मशरूम ले लिए, इसको भी काट लें बारीक बारीक। मशरूम जो है वो पिज़्ज़े के अंदर बहुत टेस्टी लगता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा आप। अगर आपको अपना पिज़्ज़ा टेस्टी करना है तो आप जितनी चीज़ें इसमें डालेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये मैंने मशरूम कट कर लिया है, ये देखें ये कट चुका है। इसे भी हम कीमे में डाल देंगे। उसके बाद हमने ऑलिव काट लेना है, ब्लैक ऑलिव्स जो है वो बहुत टेस्टी लगते हैं कीमे में, वो पिज़्ज़े में डालने से, तो आपने ये ऑलिव्स भी काट लेने हैं और इसे भी आपने इसमें मिक्स कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी कीमा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग बनती है, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ये हमारा पिज़्ज़े का जो कीमा है वो बन गया है, तैयार है, ठीक है। इसे आप नॉर्मल भी बना करके खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैंने इसमें केचप ले लिया है, ठीक है, और साथ में चिली गार्लिक सॉस ले लिया है। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करके फिर इसको हमने पिज़्ज़े में अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। अच्छा, कीमे में टेस्ट के लिए मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी मिक्स कर दी है। आपकी मर्ज़ी है आप डालें या नहीं डालें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चटपटा सा खाते हैं तो आप डाल दें, अच्छा लगता है स्पाइसी अगर आप खाते हैं ज़्यादा तो। चले ये रोटी बन गई है कीमे की और इसे हमने पैन पे डाल देना है और ये इस तरह से कांटे की मदद से आपने इसको जो है ना इसमें कट लगा देना है, ठीक है। और अब आपने केचप को इस पर अप्लाई करना है। केचप और चिली गार्लिक सॉस जो है मिला करके मैंने जो बनाया था इसको आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और इसके ऊपर हमने जो कीमा बनाया था वो डाल देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको दबा दीजिएगा, थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि कीमा जो है वो निकले ना। और उसके बाद आपने इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर देनी है, जैसे इसमें ब्लैक ऑलिव डाल देना है और ग्रीन बेल पेपर आप इसमें डालेंगे। इसके अलावा जो है वो मैंने टमाटर जो है वो उसकी लंबी लंबी स्ट्राइप्स काट के वो डाल देनी है, ठीक है। आप जिस तरह चाहें इसको डेकोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो पैन के ऊपर ही हमने इसको सेट कर लिया है। पैन की आंच बहुत हल्की रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, वरना आपका जो पिज़्ज़ा है वो जल जाएगा। तो आपने इसको बहुत ही हल्की आंच पे, पहले आपने तवा गरम कर लेना है, पैन गरम कर लेना है, उसके बाद बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको 10 से 12 मिनट तक आप पकाएंगे तो ये बेस्ट आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा। इसको आप कवर कर दें ताकि ऊपर जो चीज़ आपने डाली है यानी मोज़रेला और चेडर चीज़ वो भी मेल्ट हो जाए। पिज़्ज़ा तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।